कोरोना को लेकर सीएम अशोक गहलोत गंभीर है, जिसके तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम गहलोत ने राज्य सरकार के उठाए गए कदमों की जानकारी दी और सरकार का रोडमैप मीडिया के सामने रखा। सीएम ने कहा कि कोरोना को जिस देश ने और राज्य ने गंभीरता से लिया है, वहां रोक लगी है। राजस्थान में पहला केस जैसे ही आया, हमने उसे गंभीरता से लिया। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने वॉर रूम बनाया, जिसके तहत लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं सीएम ने भीलवाड़ा और रामगंज को लेकर कहा कि ये दोनों जगह हमारे लिए चिंता का विषय बने थे, लेकिन सरकार ने बड़े स्तर पर काम किया और भीलवाड़ा कहीं हद तक सफल भी रहा है। वहीं सीएम ने कहा कि राजस्थान में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, जिसके तहत सरकार, प्रशासनिक अधिकारी और तमाम पार्टी के लोग मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों को संबोधित किया है, कोरोना को लेकर अपनी बात रखी है, सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों को संबोधित किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना को लेकर किए जा रहे तमाम प्रबंधों की जानकारी दी है, किस प्रकार से राज्य सरकार कोरोना से निपटने के लिए काम कर रही है, राज्य में किस प्रकार के हालात हैं और सरकार उनसे निपटने के लिए किस तरह की तैयारी कर रही है। इन तमाम बातों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों के सवालों के जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों को संबोधित किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपडेट दी है, राजस्थान में किस तरीके से राज्य सरकार कोरोना से निपटने की तैयारियां कर रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे न्यूज हेड नीरज मेहरा जी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। जी सर, क्या कुछ अपडेट है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों को संबोधित किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने? देखिए आशीष जी, बता दूं आपको कि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से इसका आयोजन किया गया था जी, और इसमें पूरे देश भर के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जानने का प्रयास किया कि आखिरकार जो भीलवाड़ा और राजस्थान आज कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से कंट्रोल किया और जिस तरह से पूरा काम किया राजस्थान सरकार ने, उसको लेकर पूरे देश में रोल मॉडल बन गया है जी। तो सबसे बड़ी बात यह कि राजस्थान की आज तमाम नेशनल मीडिया के लोगों ने इस बात को लेकर भूरी भूरी तारीफ की जी। कि पहले दिन से ही राजस्थान सरकार ने जो जो कदम उठाए थे, उसी का नतीजा है कि भीलवाड़ा आज रोल मॉडल बन गया है, पूरे देश में इसको लागू किया जा रहा है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी तारीफ की है और कहा कि भीलवाड़ा से सबक ले, भीलवाड़ा से सीख ले, राजस्थान से सीख ले। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में जो कोरोना को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच ने जो काम किया है, उसकी तारीफ हुई है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि वे चाहते हैं कि जो राजस्थान में उन्होंने तय किया है कि कोई भूखा ना सोए, इसके लिए राजस्थान सरकार के साथ साथ जिस तरह भामाशाह सहयोग कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में, यानी किसी भी जिले में, किसी भी कस्बे में ऐसा कोई गांव ढाणी नहीं होगी जहां पर कोई लोग भामाशाह खुद भोजन बना रहे हैं, खुद भोजन पहुंचा रहे हैं। जिनके पास सूखा राशन नहीं है उनको सूखा राशन दिया जा रहा है, जो राशन कार्ड धारी है उनको राशन कार्ड के माध्यम से राशन सामग्री मिल रही है, जो बीपीएल थे, जो मजदूर है, श्रमिक है, जिनके कार्ड बने हुए हैं उनके खातों में पैसे पहुंच गए हैं, जो पेंशन धारी थे, वृद्ध अपंग, उनके भी खातों में जो है पेंशन कार्ड डाल दी गई है। तो तमाम तरह से राजस्थान सरकार ने जो कार्य किया है वो आज एक नजीर बन गया है। बिल्कुल, एक तो अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम ने दो हॉटस्पॉट को लेकर चिंता जताई है, भीलवाड़ा और जयपुर को लेकर के क्या अहम बात उन्होंने कही है? देखिए, उनका कहना था कि ये दो ही हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि रामगंज में जिस तरह लगातार मरीज बढ़ रहे हैं तो वो चिंता का विषय। रामगंज में महाकर्फ्यू लगा दिया गया है, भीलवाड़ा में अब तक महाकर्फ्यू था, तीन दिन में वहां राहत की बात यह है कि तीन दिन से भीलवाड़ा में अभी तक कोई पॉजिटिव मरीज नहीं आया जी। तो जिस तरह से अब लगता है हमारा संपर्क टूट गया है नीरज मेहरा जी से, लगातार अपडेट दे रहे थे किस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों को अपनी बात रखी है, सरकार के किए जा रहे कामों की जानकारी दी है।
बुलेटिन में यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते